Hey guys, assalam alaikum. मैं हूँ फलकनाज. वेलकम बैक फलकनाज ऑफिशियल. वेलकम बैक न्यू वीडियो. इस वीडियो का पार्ट वन जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन क्लिक करो. वीडियो के पार्ट वन में हम फाउंडेशन, कंटूरिंग सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, तो इसमें हम जस्ट आई मेकअप करने वाले हैं. सबसे पहले मैं अपना जो आईब्रो है वो क्रिएट कर लूँगी. आउटलाइन के लिए मैंने पेंसिल यूज़ की है और उसके बाद फिलिंग के लिए मैंने जो है वो पाउडर यूज़ किया है, आईब्रो पाउडर. ब्रश की मदद से मैं उसको फिल कर रही हूँ. अगर आप पाउडर यूज़ करते हो, पेंसिल यूज़ करते हो, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, सेम प्रोडक्ट से आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो. देन उसके बाद मैं कंसीलर से अपनी आईब्रोज को जो है वो क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी. इससे क्या होता है कि आपकी आईब्रो की जो लुक है वो और ही ज़्यादा निकल कर आती है, बहुत अच्छी लगती है. आप ये हैक ज़रूर ट्राई करना. मैंने भी पहले एक दो बार ट्राई किया था, उसके बाद मैंने अभी ये ट्राई किया है. तो इससे क्या होता है कि आपकी आईब्रो क्लीन हो जाती है और उसकी शेप जो है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आती है, निखर कर आती है. तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना. ऊपर की साइड से मैं उसे ब्रश से मर्ज करूँगी पहले, ताकि मेरी आईब्रो जो है वो ख़राब ना हो. देन उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर दूँगी. ब्लेंडिंग आपने अच्छे से कर लेनी है ताकि बिल्कुल भी कोई आपके कंसीलर की लाइन नज़र ना आए आपके फेस के ऊपर. उसके बाद मैं आई बेस जो है वो अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लूँगी. अगर आपके पास आई बेस नहीं है, आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास कंसीलर भी नहीं है तो आपका फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो. ब्रश से अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंड से उसको ब्लेंड कर लिया है. यहाँ पर मैं स्टारवे का मेकअप जो है वो आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. 20 शेड का पैलेट है. इसमें से मैंने ऑरेंज और ब्राउन शेड जो है वो यूज़ किया है. दोनों को थोड़ा सा ऑरेंज लिया है, थोड़ा सा ब्राउन लिया है. जस्ट ये ट्रांजिशन शेड के लिए मैं इसको अपने आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ. अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लेंगे दोनों की. स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया है मैंने ब्लेंडिंग के लिए. स्मॉल ब्रश से आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, तो आप ट्राई किया करो कि स्मॉल ब्रश से जो है वो किया करो ब्लेंडिंग. देन मैंने उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो डार्क ब्राउन, अगर आपके पास डार्क ब्राउन है तो आप डार्क ब्राउन यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास डार्क ब्राउन शेड नहीं है, देन मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक शेड अप्लाई किया था. और अब मैं उसके ऊपर से जो है वो ब्लेंड करने के लिए, अच्छे से मर्ज करने के लिए मैंने उसके अंदर येलो शेड जो है वो यूज़ किया है, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे जो हमने ब्राउन, ऑरेंज और ब्लैक शेड यूज़ किया है. तो मैं ऊपर से अपर साइड से उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए लाइट शेड हमेशा आप यूज़ किया करो. आप यहाँ पर ब्राउन यूज़ कर सकते हो, पीच यूज़ कर सकते हो, और अगर आप पीच और पिंक मेकअप कर रहे हो, पीच ऑरेंज मेकअप कर रहे हो, रेड और पीच यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आप लाइट शेड लिया करो. जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड यूज़ किया था, तो उसके लिए मैंने येलो यूज़ किया है. उससे क्या होगा कि आपकी हार्श लाइन भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होगी. देन मैंने जो है वो कट क्रीज कर लिया है. मैंने यहाँ पर कंसीलर यूज़ किया है. अगेन, अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन भी आपका यूज़ कर सकते हो. आई बेस है, आप आई बेस यूज़ कर सकते हो. स्मॉल फाउंडेशन जो है वो मैंने स्मॉल ब्रश से फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है. इनर कॉर्नर से लेकर आईलेट के सेंटर तक अपने कॉर्नर पर अप्लाई नहीं करना. उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है पाउडर की मदद से उसे अच्छे से सेट कर लिया है. आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो. अगेन मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन जो है वो शेड लिया है. थोड़ा सा उसमें मैं ब्लैक शेड भी मिक्स कर रही हूँ. आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो. मैंने आउटर कॉर्नर से इसको थोड़ा सा अप्लाई किया था ताकि उसका लुक और ज़्यादा निकल कर आए, निखर कर आए हमारा लुक. देन मैं अगेन उसके ऊपर जो है यहाँ पर सिल्वर जो है वो मैंने शेड यूज़ किया है. शिमरी शेड है ये. अगर आपके पास शिमरी शेड नहीं है सिल्वर में, तो आप यहाँ पर आपका हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो. शिमरी जो होता है हाइलाइटर आपका, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास पाउडर हाइलाइटर है, पाउडर यूज़ कर लें. अगर पाउडर नहीं है तो आप लिक्विड हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो. आपने ये लुक क्रिएट करना है. आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं आप ट्राई किया करो कि आप सेम उसी प्रोडक्ट से इसको ट्राई करो, उसे अप्लाई करने की कोशिश करो. अगर आपके पास सेम प्रोडक्ट्स नहीं है, सेम कलर भी अवेलेबल नहीं है,
तो जो आपके पास मौजूद है आप उससे ट्राई किया करो, ना कि आप मार्केट जाओ न्यू परचेज करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। और अगर आप बिगनर्स हो, आप जब भी आई पैलेट जो है वो परचेज करते हो, तो आप ट्राई किया करो कि आप वो आई पैलेट लो जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेड्स जो हैं वो मिल जाएँ, उसके अंदर शिमरी शेड भी हो, तो आप जब भी कोई भी लुक ट्राई करना चाहो तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। देन मैंने सेम पैलेट में से ब्लैक शेड लेके अपने वाटर लाइन के नीचे अप्लाई कर लिया है एज अ काजल के तौर पर। अगर आप काजल चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन काजल थोड़ा सा फैल जाता है अगर आप उसको वाटर लाइन के नीचे अप्लाई करते हो, तो आप ब्लैक शेड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपना काजल लगा लिया, मस्कारा लगा लिया, और अब बारी आती है लैशेस की। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया अमेजोन से, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगी हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देने वाली हूँ, तो आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर मेरी लैशेस भी लग चुकी हैं। उसके बाद मैंने अपना दूसरी जो सेकंड आई का मेकअप था वो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बचे। जितनी छोटी वीडियो होती है आप वीडियो को उतना ज़्यादा देखते हो, पसंद करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी वीडियो है 5 से 7 मिनट की। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो, नीचे रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, उसको क्लिक करो। उसके साथ आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को भी ज़रूर बजा देना। इससे क्या होगा कि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर मैं अपना ग्लोव लगा चुकी हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त शेड है, ये ना महरून है, ना ये पिंक है, ना ये पीच है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है जो भी है। एंड यस, हेयर इज़ माई फाइनल लुक, आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त लुक आई है। इसे ज़रूर ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी जो लुक्स हैं वो कैसी लगती है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन सी अच्छी नहीं लगी, तो ज़रूर कमेंट किया करो। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, अभी नीचे रेड कलर का है।